गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज मैं इंग्लिश में आपका लेसन नंबर 4.2, पेज नंबर 103, हिरोशिमा, ए लिविंग लेसन। मतलब आप सब ने हिरोशिमा का नाम सुना होगा। हिस्ट्री में भी हम ये चैप्टर बहुत बार सीख गए कि अमेरिका ने दो शहर, जापान के दो बड़े बड़े शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बॉम्ब गिराया था, तो उसकी क्या कंडीशन हुई थी, वहाँ के लोगों को क्या मुश्किली हुई थी। तो वही चैप्टर हमारा यहाँ पे इंग्लिश में ये चैप्टर है हिरोशिमा ए लिविंग लेसन। उसके बारे में हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट अगस्त आई वेंट टू हिरोशिमा फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट अगस्त मतलब पिछले अगस्त में मैं हिरोशिमा देखने को गई पहली बार। लाइक मोस्ट अदर पीपल आई हैड रीड अबाउट व्हाट हैपेंड देयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आई वॉन्टेड टू सी द प्लेस विथ माई ओन आइज। जैसे दूसरे लोगों ने सुना है कि हिरोशिमा पे क्या हुआ था जब बॉम्ब गिराया गया था, वैसे मैंने भी सुना था। तो जब मैंने सुना था तो मैं खुद अपने आँखों से देखना चाहती थी कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्यों लोगों को वहाँ पे इतनी मुश्किली हुई थी। हिरोशिमा इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ होन्सु। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट हैविली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ जापान। एक आइलैंड है जो होन्सु के आसपास जापान में एक जगह है और वह लार्जेस्ट आइलैंड है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। द विंटर्स हियर आर माइल्ड एंड द समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड। विंटर्स माइल्ड होता है, माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, एंड समर कैसा होता है कि वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म मतलब गर्म होता है एंड ह्यूमिड मतलब भेज वाला वातावरण। हिरोशिमा वॉज ओरिजिनली एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर। बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी था हिरोशिमा। टुडे इट इज़ ए प्लेस ऑफ हाई राइज ऑफिस ब्लॉक्स, ट्रेंडी डिपार्टमेंट स्टोर्स, एक्सपेंसिव डिजाइनर शॉप, शिप यार्ड्स, नीडल फैक्ट्रीज एंड कैरियोके बार्स। हिरोशिमा में आज भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन गई है। बाद में जब वो मैटेक हुआ था उसके बाद सारी चीज़ें फिर से डेवलप हुई है, जैसे ऑफिस है बड़ी बड़ी, डिपार्टमेंट स्टोर्स है, फैशन शॉप्स है, शिप यार्ड मतलब आइलैंड है। मतलब आइलैंड का, आइलैंड कैसा होता है कि जिसके आजू बाजू में दरिया किनारा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। तो वहाँ से शिप सारी जाती है और नीडल फैक्ट्री, नीडल मतलब सोई बनाने की फैक्ट्री है एंड कैरियोके बार्स। कैरियोके बार्स मतलब आपने कैरियोके नाम का सॉन्ग सुना होगा, उसके बार्स मतलब एक होटल जैसा होता है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन। हिरोशिमा में 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन जैसे लोग रहते हैं। बट हिरोशिमा इज बेस्ट नोन फॉर वॉट हैपन ऑन 6 August 1945 एट 8:15 AM An American bomber, the Enola Gay, flew in from Tinian Island in the Pacific Ocean. हिरोशिमा किसके लिए जाना जाता है कि जो उसके साथ हो गया था हिस्ट्री में 6 August 1945 में 8:15 AM onwards, मतलब सुबह 8:15 के टाइम पे अमेरिका के बॉम्बर मतलब एक प्लेन उड़ा और प्लेन से बॉम्ब गिराए गए हिरोशिमा पर। पैसिफिक ओशन से एक प्लेन आया था टाइनियल आइसलैंड से और वहाँ से अमेरिका के प्लेन ने हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया। इट्स टारगेट वॉज द एओई ब्रिज ऑन द ओटा रिवर इन हिरोशिमा। हिरोशिमा में जो एक नदी है उसका नाम है ओटा रिवर। उसका जो ब्रिज था वो बहुत ही फेमस था, एओई ब्रिज, उस पर बॉम्ब गिराया गया। From a height of 9,970 meters, it dropped an atom bomb. Height कितना ऊँचा था प्लेन के, 9,970 meter प्लेन ऊँचा था, उसमें से बॉम्ब नीचे गिराया गया, एटम बॉम्ब था वो जो बॉम्ब गिराया गया वो। The dropping of the bomb caused such damage that the world had never seen before. वो बॉम्ब जब गिरा तो उसने बहुत सारी नुकसानी कर दी, जैसा किसी ने देखा नहीं होगा उतनी सारी नुकसानी हुई। एन एरिया ऑफ अबाउट 5 square kilometers इन द सेंटर ऑफ द सिटी वॉज फ्लैटन। बीच से सिटी के बीच का जो एरिया था वो पूरा फ्लैट हो गया।
जब बम गिरा तो वो जो सारी जगह थी वो सारी फ्लैट हो गई। ए ह्यूज मशरूम शेप क्लाउड टावर्ड ओवर द रियून्स। एक धुआं, क्लाउड का धुआं उठा, धुआं उठा उससे पूरा क्लाउड बन गया। क्लाउड मतलब एक बादल जैसा बन गया धुएं से, और उसका मशरूम शेप का बादल बन गया, मतलब इतना वो बम खतरनाक था कि वो गिरा ना तो सारी जमीन थी वो फ्लैट हो गई। वहाँ पे सारे लोग थे, रहते थे, वो लोग मर गए और इंजरी हो गई उन लोगों को, और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी ऐसे डिस्ट्रॉय हो गई। और एक धुआं उठा जिसका शेप था क्लाउड जैसा, मशरूम क्लाउड होता है ना, क्लाउड मशरूम अगर आपने देखा होगा वैसा एक क्लाउड बन गया, और वो उतना धुआं था वहाँ पे जब बम गिरा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। फोर स्कूल्स सडनली डिसअपियर एज इफ दे हैड नेवर एग्जिस्टेड। चार स्कूल थी वो डिसअपियर हो गई, डिसअपियर मतलब दिखाई भी नहीं दी, जैसे वहाँ पे थी ही नहीं, ऐसा हो गया। ओवर 1,40,000 पीपल वेर किल्ड, 1,40,000 लोग थे वो मर गए, एंड मैनी मोर इंजर, और बहुत सारे लोगों को इंजरी हुई। द हीट ऑफ द एक्सप्लोजन वॉज सो मच दैट इवन मेटल्स गॉट मेल्टेड। जो बॉम्ब गिरा है तो उसकी गर्मी, हीट मतलब गर्मी इतनी थी ना कि मेटल होता है ना, जो धातु होता है मेटल, वो भी मेल्ट हो जाए, मतलब पिघल जाए, उतनी गर्मी थी वहाँ पे। दोज़ हू सर्वाइव बिकम द विक्टिम्स ऑफ रेडिएशन एंड दैट कोज कैंसर एंड अदर डिसीज। जो बच गए थे वो रेडिएशन का शिकार बन गए, रेडिएशन मतलब वो धुआं निकल रहा था उसके, वो खराब किरने निकल रही थी ना उसको, उसके वो लोग शिकार बने, और उसको उसके कारण उन लोगों को कैंसर और दूसरी बीमारी होने लगी। देयर वाउंड्स वुड नॉट हील, उसको जो जख्म जो चोट आई थी वो कभी भी भर नहीं पाई। दे वुड क्लोज एंड अगेन ओपन अप, वो जो चोट आई थी वो क्लोज हो, ऐसे जैसे हम उसके घाव पे चोट लगी हो तो हम जैसे कुछ लगाते हैं तो वो क्लोज हो जाती है, पर फिर से वो खुल ही जाता था पूरा हिस्सा। इवन माइनर बर्न्स टू मंथ्स टू हील, छोटा सा अगर कुछ हुआ था ना उसको भी बहुत सारे महीने लगे ठीक होने में। ऑलमोस्ट एवरी वन हैड ब्लीडिंग गम्स, गम्स मतलब दातना पेढ़ा, उसमें से भी खून निकल रहा था सबके। द फॉल ऑफ हेयर बिकम ए कॉमन प्रॉब्लम, सबके बाल गिरने लगे। लिविंग मैनी मैन एंड वुमेन ऑलमोस्ट बाल्ड, बाल्ड मतलब जिसके से सिर पे बाल नहीं होता ना उसको हम बाल्ड बोलते हैं। तो सारे लोग, सारे मैन मतलब जेंट्स एंड वुमेन मतलब लेडीज, सबके सर पे से बाल गिरने लगे और कुछ भी बाल बचते नहीं थे। फादर केन सॉर्ज ए जर्मन मिशनरी वो विजिटेड ए सिटी ए डे लेटर राइट्स, आई हियर ए वॉइस आस्किंग फॉर वाटर फ्रॉम द अंडरब्रश, हैव यू एनीथिंग टू ड्रिंक। एक फादर किंग सॉर्ज जो जर्मन के मिशनरी मतलब जर्मनी में जो आर्मी में एक पर्सन थे जिसका नाम था फादर किंग सॉर्ज, वो उसने वो हिरोशिमा को देखने के लिए आए तो उसको आवाज़ सुनाई दी कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी पीना है, आपके पास कुछ भी है। व्हेन फादर किंग सॉर्ज बेंट डाउन टू लुक, वो ऐसे मुड़े देखने के लिए कि कौन ये बोल रहा है, ही सो ए यूनिफॉर्म, उसने एक यूनिफॉर्म में एक पर्सन देखा। थिंकिंग देयर वॉज जस्ट वन सोल्जर, उसने ऐसा सोचा कि एक सोल्जर है, सोल्जर मतलब सैनिक। ही अप्रोच विद द वॉटर, उसको पानी पीना था। बट ही सो देयर वेर अबाउट 20 मैन, पर उसने एक सोल्जर नहीं ऐसे उसने 20 लोग देखे। एंड देर वेर ऑल इन एग्जैक्टली द सेम नाइट मैरिज स्टेट, वो सारे सेम कंडीशन में थे और बहुत ही डरावने उसके फेस हो गए थे। देर फेसिस वेर होली बर्न, उसके फेस पूरे जल गए थे सोल्जर के। देर आई सॉकेट्स वेर होलो, आई सॉकेट मतलब जो हमारी आँख होती है उसके अंदर का हिस्सा पूरा निकल गया था बाहर। द फ्लड फ्रॉम द मेल्टेड आइस हैड रन डाउन द चीक्स, पानी निकल रहा था आँख से और वो गाल पे आ रहा था। टू मंथ्स आफ्टर द ब्लास्ट, दो महीने के बाद जब ब्लास्ट हुआ था, हिरोशिमा ट्रेम्स वेर मूविंग अगेन, हिरोशिमा की जो ट्रेम थी मतलब हम जिसे ट्रेन बोलते हैं वैसी एक गाड़ी आती थी उसको ट्रेम बोला जाता था, वो फिर से स्टार्ट हो गई। बट मोस्ट ऑफ द सिटी वॉज स्टिल ए वेस्टलैंड,
पूरा सिटी वेस्टलैंड ही था अभी, तो ट्रेन में कौन जाता, क्योंकि पूरे सिटी में कोई मुसाफरी करने के लिए बचा ही नहीं था। रीबिल्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन टू दिस डे, अब तक उसका रीबिल्डिंग चल रहा है, मतलब अभी भी कई ऐसे चोट, कई ऐसी जख्म है जो उसके दिमाग में रह गए सबके, कैसा हमारे सिटी में हुआ था। देर आर ए नंबर ऑफ क्लिनिक्स टू हेल्प द एटम बॉम्ब सर्वाइवल, बहुत सारे क्लिनिक खुल गए सबको बचाने के लिए। हिरोशिमा हैज वेरियस मेमोरियल्स एंड श्राइन्स बिल्ड टू कॉमेमोरेट व्हाट हैपन इन 1945। हिरोशिमा में बहुत सारे मेमोरियल्स एंड श्राइन्स, श्राइन्स मतलब मूर्ति, तो बहुत सारी लगाई गई है इस दिन को याद करने के लिए। आई विजिटेड मोस्ट ऑफ दिस श्राइन्स, मैंने बहुत सारे ये श्राइन्स देखे, मतलब एक मूर्ति जैसा ही होता है उसको बोलते हैं। आई सो द स्टोन कॉफिन विच कंटेन्स बुक्स लिस्टिंग दोज किल्ड बाय एटम बॉम्ब, मैंने बहुत सारे कॉफिन, मतलब कबाट जैसा होता है उसको बोला जाता है, कपबोर्ड जैसा होता है एक कॉफिन, वो देखे जिसमें बहुत सारी बुक्स थी जिसमें ये एटम बॉम्ब से जो किल हुए उसको उसके बारे में लिखा गया था। द एपिटेफ रीड्स, एपिटेफ का मतलब होता है वर्ड सेड अबाउट द डेड पर्सन, जो मर गए थे उसके लिए एक लाइन लिखी गई थी, रेस्ट इन पीस फॉर द एरर शैल नॉट बी रिपीटेड। रेस्ट इन पीस जब हम कब बोलते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि रेस्ट इन पीस, द एर फॉर द एरर शैल नॉट बी रिपीटेड, एक भूल हो गई थी जो कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। इन द म्यूजियम आई सॉ ए फिल्म ऑफ द एक्चुअल बॉम्ब बीइंग ड्रॉप, म्यूजियम था वहाँ पे, उसमें मैंने एक फिल्म देखी जब एक्चुअली बॉम्ब गिरा था तब क्या हुआ था। द वेरियस एग्जिबिट्स डिस्प्लेड देयर इंक्लूडेड द ट्विस्टेड बाइसिकल फ्रेम्स, बहुत सारे वहाँ पे एग्जिबिशन में ऐसे फोटोग्राफ्स रखे थे, ट्विस्टेड बाइसिकल फ्रेम्स मतलब एक फ्रेम आती है जो ट्विस्टेड होती है, उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ रखे गए थे। द बर्न्ड रूफ टाइल्स, पूरे जो घर जल गए थे उसकी मेमोरीज रखी हुई थी। एंड द हॉरिबल फोटोज ऑफ डिफॉर्मिटीज, जो सारे लोग वहाँ पे मर गए थे जब बॉम्ब अटैक हुआ था उसकी भी फोटोज़ रखी थी, वो बहुत ही डरावनी फोटोज़ थी सारी। कॉज बाय द 6 अगस्त 1945 ब्लास्ट, इसका जो ब्लास्ट हुआ था उससे जो सारी नुकसानी हुई थी, जो सारी चीज़ें हुई थी वो म्यूजियम में रखा गया था। एट द गिफ्ट शॉप आई बॉट अ टी शर्ट विथ नो मोर हिरोशिमा प्रिंटेड ऑन इट, एक गिफ्ट शॉप थी वहाँ पे, वहाँ से मैंने एक टी शर्ट खरीदा जिस पे लिखा था नो मोर हिरोशिमास, मतलब ऐसा अटैक दूसरी बार नहीं होना चाहिए। ऑन द इवनिंग ऑफ 6 अगस्त आई अटेंड द पीस सेरेमनी, 6 अगस्त पे वहाँ पे हर साल पीस सेरेमनी होती है हिरोशिमा में, पीस सेरेमनी मतलब एक शांति शांति के साथ जो हम सेरेमनी करते हैं ना, रैली करते हैं सब हाथ में टॉर्च और कैंडल लेके निकलते हैं, ऐसी एक सेरेमनी थी विच इज़ हेल्ड ऑन दिस डे एवरी ईयर इन हिरोशिमा, हर साल इस दिन को हिरोशिमा में ये पीस सेरेमनी होती है। देयर वेर थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रेजेंट एट द सेरेमनी, बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे इस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए। टाइनी लैंटर्न्स वर लिट एंड प्लेस ऑन द वाटर्स ऑफ द ओटा रिवर, छोटे छोटे दिए जलाए गए थे और वो रिवर के किनारे रखे गए थे। ईच लैंटर्न सिंबलाइजेस ए प्रेयर फॉर वर्ल्ड पीस, सारे दिए क्या एक हमें मैसेज देते थे कि सारी दुनिया में हमें शांति रखनी चाहिए, ऐसा अटैक दूसरे देश या दूसरे सिटी पे या दूसरे कोई भी जगह पे नहीं करना चाहिए। तो देर वेर लॉट्स ऑफ अदर टूरिस्ट देर, बहुत सारे दूसरे टूरिस्ट भी वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, बट वेरी फ्यू ऑफ देम टूक एनी फोटोज़, बहुत कम थे जो फोटोज़ ले रहे थे। देर वेर टू डीपली मूव टू क्लिक देयर कैमराज, क्योंकि उन लोगों को फीलिंग ही इतनी थी कि उन लोगों के कैमराज भी उसके हाथ में नहीं थे, दिए थे सबके हाथ में, तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके पास ऐसी फीलिंग नहीं थी कि सबको पीस, एक पीस की फीलिंग हो रही थी। द पीस सेरेमनी फोकसेस वंस माइंड ऑन द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द वॉर, पीस सेरेमनी में सबका ध्यान कहाँ पे चला गया था कि जो यहाँ पे नुकसानी हुई थी ब्लास्ट से उस पर सबका ध्यान चला गया था। इन 1945 देयर वर ओनली 3 न्यूक्लियर वेपन्स इन 1945 में 3 न्यूक्लियर वेपन्स थे इन द वर्ल्ड,
नाउ देर आर इनफ टू डिस्ट्रॉय एवरी लिविंग बींग. तो अब तीन ही थे सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर वेपन. अभी इतने सारे वेपन है ना कि अगर वो जो यूज़ किया जाए तो सारे ह्यूमन बीइंग, सारी लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल, सबका नुकसान हो सकता है, सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. इतने सारे हमारे पास वेपन्स है ऑन द अर्थ. वन न्यूक्लियर वेपन कैन किल द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर सिटी. अगर एक हथियार यूज़ किया जाए ना न्यूक्लियर एटम बॉम्ब या कुछ भी, तो वो सारी जनरेशन को ख़त्म कर सकता है. मैनी गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर ओपोज टू द मैन्युफैक्चर एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. बहुत सारी गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट, मतलब इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें ऐसे वेपन्स बनाने नहीं चाहिए, और अगर बनाए गए तो इसका हमें संग्रह नहीं करना चाहिए. स्टॉक पाइलिंग मतलब कोई भी चीज़ संग्रह करके रखना. इफ़ दिस ऑपोजिशन बिकम वर्ल्ड वाइड, अगर ये ऑपोजिशन, ये विरोध पूरे देश, पूरे दुनिया में हो जाए, एंड न्यूक्लियर वेपन्स गो आउट ऑफ फैशन, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स सारे ख़त्म हो जाए, देर मे बी सम होप दैट विश एक्सप्रेस ऑन माई टी शर्ट विल कम ट्रू. मेरे टी शर्ट, मैंने जो टी शर्ट लिया था प्रिंटेड नो मोर हिरोशिमास वाला, वो शायद सच हो सकता है अगर सारे वेपन्स ख़त्म हो जाए तो, कि सब लोग शांति से रह सकते. पर अभी वेपन्स है तो हमें थोड़ा डर तो रहेगा कि वेपन्स कोई भी देश यूज़ कर सकता है, पर अगर रहेंगे ही नहीं सारे वेपन्स तो सब शांति से रह सकते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हिरोशिमा ए लिविंग लेसन. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमें आप कॉल करके पूछ सकते हो. इसके आगे के लेसन की PDF आप सबको सेंड कर दी जाएगी, और इस लेसन की PDF आप सबको हम बाद में सेंड करेंगे. Thank you kids. Bye.